नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं पशुधन सहायक भर्ती 2025 के बारे में। LSA भर्ती जिसका नोटिफिकेशन का आपको इंतज़ार है, और साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा उसका जो एग्ज़ाम है उसकी डेट तो एग्ज़ाम कैलेंडर में जारी कर दी गई है 13 जून को, और लगभग 2041 पदों पर यह भर्ती आने की संभावना भी आपको बता दी गई है। अब साथियों इंतज़ार है केवल और केवल नोटिफिकेशन का। तो साथियों नोटिफिकेशन को लेकर न्यू अपडेट आई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, तो उसी अपडेट को मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कब तक नोटिफिकेशन आने वाला है भर्ती का विज्ञप्ति के अंदर और बाकी की चर्चा। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की हर एक अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो साथियों लीजिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से अपडेट दी गई है, जिसमें एक कैंडिडेट्स के द्वारा ट्वीट किया गया है कि सर पशुधन सहायक भर्ती विज्ञप्ति कब तक जारी होगी और सिलेबस में क्या टॉपिक ऐड होंगे। तो इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पोस्ट किया गया है कि सेकंड वीक दिसंबर के आसपास हम कुछ नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और जिसमें LSA की भी जारी करने की बात की गई है। यानी कि जो अभी दिसंबर महीना चल रहा है उसका जो सेकंड सप्ताह आने वाला साथियों आपका लगभग 8-9 तारीख के बाद में, तो सेकंड सप्ताह में आपका भी LSA भर्ती का नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांस है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कहा गया है, तो आपका 99.9% आपको शोर मानिए कि आपका नोटिफिकेशन जो है अभी दिसंबर महीने में आने वाला है। हाल ही में साथियों नवंबर महीने में आने वाला था, लेकिन शायद पशु परिचर भर्ती जो पशुपालन विभाग की है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है उसको लेकर ये आगे कर दिया गया है। जो अब जो है साथियों पशु परिचर के एग्ज़ाम हो गए हैं, तो अब जो है साथियों आपका सेकंड वीक में इसकी नोटिफिकेशन जारी करने की बात रखी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। 13 जून को एग्ज़ाम होने वाला है साथियों, आने वाले 13 जून को लगभग 2041 पदों पर भर्ती आने वाली है, और सेकंड वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी करने की बात रखी गई। रही बात मेन पॉइंट साथियों सिलेबस की, तो क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा? तो साथियों वैसे तो आपका वेटरनरी का जो 10 सब्जेक्ट है वो है जो है ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। रही बात राजस्थान GK की, तो साथियों अगर कुछ एड होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ परिवहन है, जैसे ऊर्जा है, जनगणना है, इस प्रकार से कुछ टॉपिक है जो पहले नहीं थे वो जुड़ सकते हैं। और करंट की बात की जाए तो साथियों अभी उसका कोई भी अपडेट नहीं है करंट से लेकर कि क्या करंट को भी ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन आने पर कंफर्म हो जाएगा। तो हाल फिलहाल में साथियों आपको जो पुराना सिलेबस है 2022 भर्ती का उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी, क्योंकि ये बात भी पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से की गई है कि आप जब तक ये नया नोटिफिकेशन नहीं आए, नया सिलेबस नहीं आए, तब तक आप पुराने के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो मतलब कि ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड खुद ये बात बोल रहे हैं कि आप पुराने सिलेबस से तैयारी कीजिए तो वो ज़्यादा अपडेट नहीं करेंगे, 1-2% कर सकते हैं। तो आप बेफिक्र रहे, चिंता न करें, आप तो अपनी तैयारी जारी रखें, सभी इसी में लग जाए और आपका सिलेबस ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। विज्ञप्ति आने वाली है, डेट जारी कर दी गई है, और भी कुछ भी परिवर्तन होता है तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। तो हाल फिलहाल में ये अपडेट है आपके साथियों कि दिसंबर महीने के दूसरे वीक में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, और कुछ अन्य भर्ती भी इसमें शामिल रहेगी। ठीक है साथियों, आसपास हम कुछ नोटिफिकेशन जारी करेंगे, मतलब कि और कुछ भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं, और इसमें LSA का भी आपका शामिल है, LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट भर्ती का। ये है भर्ती से रिलेटेड न्यू अपडेट, और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अपना जो साथियों टेलीग्राम चैनल है और जो व्हाट्सअप चैनल है आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेवे, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।